तो ए बी वाले के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और वो मरीज़ है, वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ट्रांसप्लांट रिसीव कर सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पेशेंट ए नेगेटिव है, तो वो सिर्फ ए नेगेटिव का ब्लड लेगा, वो ए पॉजिटिव का लेगा, तो वो लड़ाई हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी जो खून के रिलेटेड नहीं है, वो डोनेट नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दा ट्रांसप्लांट के अंदर एक जैसा ब्लड ग्रुप ज़रूरी नहीं है। अब ये वाली पैगाम बनाने की या इसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि ब्लड ग्रुप एग्जैक्टली एक जैसा होना ज़रूरी है ट्रांसप्लांट के लिए। ऐसा नहीं है, और ये बात जो सी है हर इंसान को पता होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर फैमिली में कोई गुर्दे का मरीज़ है तो फिर तो लाजमी पता होनी चाहिए। पहली बात मैं जो बताऊं कि उमूमी तौर पे हमारे ब्लड ग्रुप जब बोले जाते हैं तो उनके साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ लगाई जाती है। मिसाल कि जनाब, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो साथ कहते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह किसी का बी है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ए बी है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह ओ भी पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। ये बिल्कुल ये ज़रूरी है, और जब किसी को किसी से खून लगता है तो इसका एग्जैक्ट मैच होना अच्छी बात है। लेकिन कुछ यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जिनका ए बी फ़र्ज़ करें किसी का है, तो उसके जिस्म के अंदर ज़्यादातर चीज़ों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती नहीं, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, और अगर वो ए बी पॉजिटिव है तो वो अमूमी तौर पे जो नेगेटिव पेशेंट हैं उनके अंदर से भी ले सकता है। दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पेशेंट ए नेगेटिव है, तो वो सिर्फ ए नेगेटिव का ब्लड लेगा, वो ए पॉजिटिव का लेगा, तो वो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट के अंदर मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो उनसे है एक चार्ट जो उनसे आए इसके अंदर वो डिस्प्ले भी कर दे, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों के जहन में हो कि अगर मरीज़ का ब्लड ग्रुप ए है तो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो दूसरे किसी ए से ले सकता है। मिसाल अगर किसी का ए नेगेटिव है तो उसको ए पॉजिटिव भी दे सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। इसी तरह इस इंसान को ओ भी दे सकता है, तो तीन किस्म के ब्लड ग्रुप इस ए इंसान को दे सकते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाएं, ए को ए की दोनों किस्में दे सकती हैं और ओ भी दे सकता है। इसी तरह बी बी को भी बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह डोनर भी बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे फ़र्क नहीं, बी बी को दे सकता, साथ ही इसको ओ भी दे सकता है। ओ के अंदर क्योंकि एंटीजन नहीं होती तो वो भी किसी के अंदर जाता है, तो लड़ाई नहीं होती। दूसरी तरफ एक ब्लड ग्रुप है जिसको हम सिंपल ओ कहते हैं। अब ओ की खास बात ये है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ओ को ओ ही मिलेगा, लेकिन ओ नेगेटिव हो या ओ पॉजिटिव हो, डोनर रिसिपिएंट चाहे ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव मिल जाए चल जाएगा। आखिरी चीज़ है ए बी। ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला है, उसे सब कुछ कबूल है, बी बार अच्छा बच्चा। तो ए बी वाले के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और वो मरीज़ है, वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ट्रांसप्लांट रिसीव कर सकता है। अब ये बात है सिर्फ ब्लड ग्रुप की हद तक, हो सकता है कि मरीज़ ही फिट ना हो सकता है कि डोनर ही फिट ना हो सकता है यहाँ तक ब्लड ग्रुप तुम हम मैच कर लें, लेकिन बाद में जब हम ट्रांसप्लांट की मैचिंग या टिश्यू टाइपिंग करें, दूसरे टेस्ट करें, तो उसके अंदर पता चले कि नहीं, मैचिंग अच्छी नहीं है। तो दो जगह पे मैचिंग होती है, और इसके बारे में मैं अलग-अलग वीडियो बताऊंगा कि दो किस्म की मैचिंग ट्रांसप्लांट के ऊपर होती है, एक ये ब्लड ग्रुप के लेवल पे और दूसरी टिश्यू के लेवल पे। ये जो चार्ट है इसको एक दफ़ा अपने जहन नशीन कीजिए, और अगर फ़र्ज़ करें आप पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई मरीज़ है और आप डोनर या रिसिपिएंट की तलाश में हैं, तो आप इस तनाजुर में देखें कि ये ब्लड ग्रुप हमें पोटेंशियल डोनर हो सकते हैं, और फिर उनके टेस्ट ले जाने के लिए, उनके टेस्ट करवाने के लिए अपने मुआलिज से राबता कर लीजिए।
ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी जो खून के रिलेटेड नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता, और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी जो खून से रिलेटेड के अलावा है वो ज़्यादातर इलीगल होती है। दो के पाकिस्तान में एक स्वैप सिस्टम है जिसके बारे में एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनेगी, लेकिन किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी को मैं स्ट्रॉन्गली डिस्करेज करता हूँ, और इस तरह की किसी भी सिचुएशन के अंदर हम या हमारी टीम बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर पाते। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें।